मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं फ्रेंड्स, मतलब कि इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि इसको कोई हिसाब नहीं है। आप सभी को पता है कि वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, परेशान भी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स का रीज़न यही है कि वो, उनका कहना है कि जब मैं तुम्हें इतना तुम्हारे लिए करता हूँ, इतनी तुम्हारी केयर करता हूँ, सब कुछ ला के देता हूँ, फिर भी तुम, मतलब कि जैसे कि लोग गलत बोलते हैं, सिर्फ क्यों, मैं तुम्हें पहनने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ ला के देता हूँ, फिर भी तुम नहीं पहनती, फिर भी लोग गलत बोलते, मुझे बुरा लगता है कि मतलब इसका पति जो भी इतना कुछ करता है, फिर भी ये इस तरीके से बन के रहती है, ये और इस तरीके से वो होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि घर में रहती हूँ, कोई मतलब कि बुराई तो है नहीं, घर में इंसान रहता है और हमेशा तैयार होकर रहना। फ्रेंड, आप सभी को पता है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहने की आदत मेरी, ना कि तैयार होकर रहना और एकदम से वो करके रहना, ऐसे हमेशा आदत कि सिंपल रह के हो के रहने की, और जानू ये चीज़ अच्छा नहीं मिलता। जानू कहते कि इस तरीके से ये होता है कि लोग गलत बोलते हैं, अजीब लगता है। हाँ बाबू, अजीब लगता है, इस तरह मत रहा करो, बस इसलिए नाराज़ हो गई। बोले आज तुम्हारी वजह से जो भी हो, लोग गलत बोल देते हैं, ये कहते हैं कि प्रिया ऐसी रहती है, ऐसे फटे पहनती, सब कुछ। तो फ्रेंड देखिए, सब कुछ नहीं होता है ऐसे, होते जो घर में ऐसे, तो इसलिए जानू नाराज़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जानू को तो हम मना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही कहेंगे कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होता है, हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के आशीर्वाद रहा, सब कुछ रहा, तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। और अमीर गरीब इंसान खुद से होता है, ना कि कोई बनाता है उसे। दूसरी बात ये कि इन सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, बस इंसान को दो वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, इंसान बहुत खुश रहता है। तो फ्रेंड्स, आप भी, आपको दिखा दूँ, आज जो भी हो, 2-3 दिनों से हमारे घर का काम नहीं हुआ। ये देखिए, एक टब कपड़ा रखा हुआ है, देख रहे हो आप लोग, ये एक टब कपड़ा रखा हुआ है धुलने के लिए। और आप भी बाहर, मैंने देखिए आप लोग को दिखा दूँ, ये देखिए बाहर कपड़े सारे फैलाई हूँ सूखने के लिए, रजाई रजाई उठा के तो रख दिया था, लेकिन मैंने इसको वो नहीं किया, कहने का मतलब मैंने ऐसे ही रख दिया, धूप नहीं लगाई थी तो इसको धूप ऊप लगा दी। और देख लीजिए, चूल्हा वूल्हा भी नहीं पोता है मैंने, वैसे ही पड़ा हुआ है। तभी धूप में ऐसे बैठी हूँ बाबू को लेके, क्योंकि बाबू थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो गया, मैं भी शुरू से। और पता है क्या सोचा मैंने, चलो गरम गरम चावल खा लेते हैं, मैंने हल्का चावल खा लिया, इसलिए हमको लग रहा थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से, खा लिया गरम गरम चावल, तो शुरू शुरू होने लगा मेरे भी, बाबू को भी। आप सभी को पता है, माँ ठीक तो बच्चा भी ठीक, बच्चा भी मार तो माँ भी बीमार, यही होता है। और पति का तो काम ही होता नाराज़ होना, वो वैसे भी मान जाते हैं, नाराज़ मुझसे होते मान भी जाते हैं। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कितना प्यार करते हैं, उनकी नाराज़गी थोड़ी देर की रहती है, फिर वैसे ही। बस उनका कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुनने को मिलता है कि प्रिया ऐसी रहती है, प्रिया वैसी रहती है। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने हमेशा ही बोला है कि हमेशा ही कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया इन्होंने, माँ बाप थे। जो इंसान सोचता है जैसे कि मुझे बहुत अजीब अंदर से लगता है कि ये माँ बाप जितनी खुशी मुझे दी उतनी ये मुझे खुशी देते, इनके मतलब कहने के इंसान के प्यार में कमी या फिर किसी चीज़ में कभी नहीं, हर एक खुशी मेरी पूरी करते, हर एक ख्वाहिश। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमेशा मैं 1 ईयर से यूट्यूब पे हूँ, आपने खुद ही देखा मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा खुश रहती हूँ, कभी मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, मेरे पति की वजह से। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा खुश रखते हैं। अभी मेरा छोटा सा बाबू जब होने वाला, तो एक इंसान होता कोई केयर नहीं करता, ये करता वो करता, लेकिन जब बाबू पेट में, तो कितनी ज़्यादा जानू मेरे पति कितनी ज़्यादा मेरी केयर करते थे, कितना मुझे मतलब हर चीज़ में। और अभी भी, अभी कपड़े रखे हैं, अभी इस टाइम पे आप लोग ब्लॉग देखते हो, बर्तन मार देना, कपड़े धुल देना, सारा कुछ वो इसलिए करते कि मैं और मेरा बाबू, मेरे मतलब मैं ठीक रहूँ, बस इसलिए। वो जो भी करते हैं, जो जो भी होता है फ्रेंड, इंसान सोचता है कि मैं छोटा हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, लेकिन वो कभी ये चीज़ सोच के नहीं करते। उनको पता है कि मैं उनकी फैमिली हूँ, मैं उनकी वाइफ हुई, मैं उनका बच्चा है, इसलिए वो हमारी केयर करते हैं, और कभी वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, बस इसी वजह से थोड़ा नाराज़ हो गए। अभी लाइव भी है तो आप लोगों ने देखा भी होगा,
परेशान हो जाती इस चीज़ से। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, खुश रहेंगे। और गलती मेरी ही हो जाती कि मैं हमेशा गलती कर जाती हूँ, सुनना उन्हें पड़ जाता है। और फ्रेंड देखिए, बात रही माँ बाप की और पति की, तो हमें कोई मतलब वो नहीं कि हाँ इंसान पति के घर जाने के, लव मैरिज करने के बाद इंसान को खुशी नहीं मिलती है, इंसान दुखी होता है, परेशान होता है। तो हमारी लव मैरिज बहुत अच्छी है फ्रेंड, बहुत सक्सेस है, बहुत अच्छे। आज 5 साल होने वाले हैं हमारी शादी को, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आप लोग को एक गुड न्यूज़ और दूँ, मेरा बाबू ना आज 4 मंथ का कंप्लीट हो गया। आज 18 तारीख है, मेरा बाबू 4 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, खुशी की बात है। अब जल्दी से 6 मंथ का होगा तो ये खाना वाना खाएगा। बाबू अभी बीमार चल रहा है ना, थोड़ा वो हो जाता है। पापा भी ना, बेटा भी सो रहा है कुछ कुरा। अरे प्रीत सो रहा है, इसके साथ में बाल बहुत है इसके, तो फ्रेंड्स अभी नहलाते भी नहीं है इसे बिल्कुल भी। और यहाँ पर भी कोई है नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, नहीं तो मैं यहाँ बैठती ना। चलिए फ्रेंड देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में इंसान को खुशी मिलती है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में खुश रहने का। और फ्रेंड आप सभी को पता है कि हमारी फैमिली कोई बहुत बड़ी सी है नहीं, मैं हूँ, मेरा बाबू है, मेरे हस्बैंड है, हम 3 लोग रहते हैं। उनका कहना यही है कि छोटी सी फैमिली है, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कष्ट काटे फ्रेंड। आप सभी को मैंने हर ब्लॉग में बताया, बहुत दुख कष्ट काटा उन्होंने, मेरे जो जॉब नहीं करना चाहिए वो काम करके, दिहाड़ी करके, ये करके, वो करके, हमेशा एक छोटी छोटी खुशियां हमें होगी। और बात रही फ्रेंड्स कपड़ों की, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से ख़रीद लेती हूँ जाके, मुझे जो अच्छा लगता है। वो ये नहीं कहते कि तुम जाके सेल से ख़रीदो, वहाँ से लेके पहनो, वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए। उनका कहना जो तुम्हें अच्छा लगता तुम वही करो, हमें कोई रोक टोक नहीं कि नहीं पैसों की रोक टोक, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ, खाने को नहीं दे रहा हूँ। आप लोग देखते हो फ्रेंड, आपको ब्लॉग भी दिखाते हैं, खाने पीने की तो कभी मुझे कमी ही नहीं होती है। ये दुनिया भर की बातें हो जाती ना, बस इसी में परेशान हो जाते, और टेंशन उनको बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, पति देव जी हैं, मान ही जाएंगे अभी नहीं तो अभी चलते फ्रेंड। थोड़ा काम वाम भी करना था, कपड़े धोने के लिए जानू के लिए ही रखे थे, अभी वो धुलेंगे बाद में, वैसे मैंने भिगो दिया है अब उतने सही से, तो बाबू ने पोटी वोटी भी कर दिया था ना उसमें, इसकी वजह से। और यहाँ पे देखिए डोंगी बड़े शान से सारे सोते, मेरी जो है तो उधर बाहर है, बाहर नहीं शायद अंदर है, जानू ले गया तभी घूमें कराने उसको, घूम घूम के आई है तभी अंदर बंधी हुई है। अभी खाना वाना भी नहीं बनाया है फ्रेंड्स, हम एक ही टाइम खाना बनाते हैं, उसी को 2 टाइम खाते हैं। और साग वाग बनाया था सब, वो भी रखा हुआ है, कल रात में खाना भी बनाया, वो भी पड़ा ही हुआ है, उसको भी नहीं खाई अभी, जानू अंदर लेट है। इनकी तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, बड़े अजीब इंसान है सच्ची बताऊँ तो, मतलब परेशान हो जाते तुरंत, क्या कर सकते फ्रेंड। देखिए प्यार करते हैं तभी इतना परेशान होते हैं मेरे लिए, नहीं तो इंसान प्यार नहीं करता तो किसी के लिए परेशान नहीं होता। बस वो कहते हैं कि उनका कहना है कि कोई गलत ना बोले, मेरी आदत है फ्रेंड्स कि घर में हूँ ठीक है, घर में हूँ ठीक है, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कैसे भी रह लिया। उनका कहना है घर में है बेशक चाहे जहाँ हो, लेकिन कम से कम मतलब अच्छे से बन के रहो, कोई गलत ना बोले। और फ्रेंड चलिए कोई बात नहीं, जानू का तो ऐसे ही नाराज़गी होती रहती है, आप लोगों ने देखा कितना नाराज़ होते छोटी छोटी बातों पे, खुद ही खुश होना खुद ही ना, अभी खुद ही मान जाएंगे, खुद ही बात करेंगे खुद ही मान जाएंगे, इनकी आदत ही ऐसी है। और आप सभी को पता कितने फ़नी है ये, कितनी ज़्यादा फ़नी है, मतलब इतनी इतनी सी बात को, मतलब इतनी इतनी बात में आप लोग को हंसाते हैं, आप लोग कितना इन्जॉयमेंट कराते हैं, वैसे ही है ये। कोई बात नहीं चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते काम वाम कर लेते, नहाया धोए भी नहीं, बाबू की सिर्फ मालिश की है, खाली सुबह उठ के मालिश कर देती हूँ और कुछ भी नहीं किया, जा रही हूँ काम वाम भी करना है। और धूप अभी निकल रहा है, वो तो सोची फ्रेंड अभी मौसम अच्छा है धूप निकल रहा है, नहीं तो दिक्कत ही होती है, इस टाइम तो कोहरा पड़ने लगता है आप सभी को पता है, कोहरे को जैसे बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है, लेकिन अभी ठीक ठाक। अभी बाबा को भी धूप में लेके बैठी हूँ, हमारे घर में मंझा होता है ना फ्रेंड, मंझा नहीं है, अगर मंझा होता ना तो सही रहता, बिछा देते बाहर तो बाबू को लिटा देते, ऐसे कभी कभी आंटी जी मंझा डालती है तो बाबू को ही लिटा देती हूँ, नहीं तो ऐसे गोद में पड़ा है। बहुत जुकाम हो गया है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया मुझे भी, बाबू को भी, मेन बात रात को चावल, वैसे मैं गुनगुना पानी भी पीने लगी हूँ ताकि मतलब दिक्कत परेशानी ना हो,
गुनगुना पानी पीने लगी हूँ। बस एक गलती हुई, रात को चावल खा लिया। सिस्टर ने एक बोला कि गरम गरम चावल खा लेने सो जाता, मैंने खा लिया, मेरा भी गला बैठ गया बाबू का भी। चलिए फ्रेंड चलते हैं थोड़ी बाहर। हाँ बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, बाप रे। मैं सोची कपड़े पड़े धो लूंगी, कपड़े भी नहीं धुला मैंने। हमारे पति देव जी नाराज हो गए। इनका तो काम ही नाराज होना। अरे बाप रे, आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स इधर हमारे बाहर का नज़ारा, ये देखिए हमारे इधर खेत बहुत सुंदर सुंदर है। सोच रहे हैं क्या फ्रेंड्स कि थोड़ा कहीं बाहर घूमने उमने जाते, घर में अच्छा नहीं लगता अब ज़्यादा। कहीं घूमने उमने जाते तो ही अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर में यहाँ पर सफाई हो रही है खेतों में। ये तो ये गेहूँ नहीं होता फ्रेंड्स, गेहूँ ही बो दिया गया बड़ी हरियाली से। मैं पहले सोचती थी वहाँ पे रील्स बनाऊंगी, वो दिख रहा है फ्रेंड्स जो पत्थर, लेकिन पता है ये जो बॉर्डर ही बना दिया सारे ने, बॉर्डर बन गई इसकी वजह से हम कहीं बाहर नहीं जाते। आइए फ्रेंड्स यहाँ बैठते हैं, रजाई हमारी सूख रही है, सूखने देते हैं रजाई को, हम यहाँ बैठते हैं। रप्रीत बाबू, ए रप्रीत, बहुत खेलता, बहुत फनी है, पूरी रात गुड़ 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 पूरी रात खाना पीना खाता रहता है, इसका तो खाना पानी ही नहीं खत्म होता। रप्रीत बाबू, ए रप्रीत, पापा नाराज हो जाए, पापा को मना जाके। मैं मनाऊंगी नहीं, वो खुद ही मानेंगे। रप्रीत मैं अंदर पता क्यों नहीं गई, मैं अब जब तक अंदर नहीं जाऊँगी जब तक वो मुझे खुद नहीं मनाएंगे। मैं भी अपना एटीट्यूड दिखाती हूँ, मैं क्यों नहीं मनाऊँ, वो मुझे मनाए मैं क्यों मनाऊँ। एक बार ऐसे नाराज हुए तो, जब नाराज होंगे तो ढेर सारा खाने पीने का सामान लेके आएंगे ताकि मैं मान जाऊँ। और फ्रेंड पति पत्नी की नाराज़गी चल रही, बस वो इतनी सी बात पे ही नाराज़ है कि तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, तुम फटे चिटे कपड़े पहन लेती हो, ऐसे रहती हो वैसे रहती हो। डॉगी को देख लीजिए। अरे फ्रेंड्स घर में चलता सारा, लेकिन जानू ऐसे परेशान हो जाते फालतू बेवजह। बेवजह परेशान होना नहीं कहते वही है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स आपकी तरफ ठंड कैसी पड़ रही है, आप लोग कहाँ कहाँ से हो। हमारी तरफ तो ऐसे अभी ठंड नहीं पड़ी, बस रात को हल्की ठंडी लगती है एक ब्लैंकेट में, मतलब जो रजाई है हमारी, आप ये तो रजाई नहीं ओढ़ती हूँ अली, तो ऐसे ही है रख दिया उठा के। जो एक और है ब्राउन की, ब्लैक कलर की, हाँ ब्राउन कलर, दोनों ही कलर मिक्स है, तो वो वाली ओढ़ के सो जाते हो। बहुत बड़ा सा, तो हम तीनों लोग एक रजाई में आ जाते हैं। और इस टाइम बाबू के सारे कपड़े ना बड़े गंदे शंदे पड़े हुए हैं, इसको ऑयल बाबू ने, यहाँ पे धक धक हो रहा, देखिए यहाँ पे बच्चे के भी फ्रेंड बोलिंग किया, सुर सुर लगा रखी है, जुकाम बहुत हो गया फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया। चलिए चलते हैं अंदर, बस फ्रेंड आप लोग दुआ करिए। और हाँ हमारी 20 तारीख को फुल सॉन्ग आएगी, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, सपोर्ट करना है। और हाँ और क्या करना है, शेयर करना है, और आप लोग कमेंट करिए। अभी तो फुल सॉन्ग देखो तो मजा आएगी, अभी तो इस हमने ट्रेलर डाला था कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी सॉन्ग आने वाली है। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है priya1770, बाबू का है रप्रीत priya7270, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए, बस आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है, बस हम खुश रहेंगे इसी चीज़ में। लोग गलत बोल देते ना, जानू भी बहुत परेशान हो जाते, इनको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने इतना दुख झेला नहीं ना, मेरे आने के बाद इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इतनी प्रॉब्लम झेल रहा है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।